नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों पर। सभासद ने पर्यावरण दिवस पर किया वृक्षारोपण। जी हां, उत्तराखंड के जिला उद्धम सिंह नगर अंतर्गत गदरपुर के लोगों की सेवा में तत्पर रहने वाले सभासद सेवक के रूप में रहने वाले मनोज गुंबर मिंटू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वार्ड नंबर 6 के कई स्थानों पर वृक्षारोपण किया। सभासद के नेतृत्व में वार्ड वासी व अन्य लोगों द्वारा शिव पार्वती मंदिर स्थित आवास विकास कुंज बिहार स्थित सटी मठ मंदिर एवं आवास विकास के प्रत्येक पार्कों में वृक्षारोपण किया गया। आइए देखते हैं उत्तराखंड के गदरपुर से हमारे संवाददाता साहनू अली की रिपोर्ट है। तो इस उपलक्ष्य में हमारी सरोज मेमोरियल समिति देश में हरियाली लाने के लिए पेड़ पौधों का रोपण कर रही है, जिससे हमारे देश में चलने वाला प्रदूषण और नीरी बीमारियां जो चल रही हैं उससे पर्यावरण के द्वारा बचा जा सके और हमारे देश में सुख शांति आदि सब लोगों का प्रचार हो सके, जिससे हमारे पर्यावरण आज के जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो लोग वृक्ष के प्रति अपने सारे कार्य करते हैं, जो अपने उसमें पर्यावरण में करने के पौध लगाकर सारे देश को सुख संपत्ति और हरियाली का प्रतीक बनाना चाहते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है, मैं सभी देशवासियों को इसकी बधाई भी देना चाहूँगा। और पर्यावरण से ही हमारा पूरी जो नेचुरल है, पेड़ हैं, ये पौधे हैं, इन्हीं से हमारा जीवन है, इन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलती है, इन्हीं से पर्यावरण शुद्ध रहता है, इन्हीं से वर्षा होती है और इन्हीं से जितनी भी भाई मौसम सारा पर्यावरण से ही, पर्यावरण पर ही निर्भर है। पौधे लगाने से एक तो साफ सफाई रहती है, उससे आदमी को फल मिलते हैं, छाया मिलती है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पर्यावरण दिवस पर सभी को कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए, जिससे हमारा देश खुशहाली की ओर जाए, हमारे देश में जो हमारे देश का जो मौसम है वो अच्छा रहे, हमारे देश और पर्यावरण से भाई पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया मुख्यमंत्री का जन्मदिन। जी हां, यूपी के जिला बदायूं के नगर बिलसी में भाजपा नगर अध्यक्ष श्री गगन राठी और मनोज कुमार चौहान नगर महामंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जेएस पैलेस बिलसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया। सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। साथ ही कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया गया जन्मदिन, जिसमें भाजपा के कार्यकर्तागण मौजूद रहे। आइए देखते हैं बिलसी से हमारे संवाददाता अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, और मैं यहाँ पर जे एस राज पैलेस में पहुँचा हुआ हूँ। यहाँ जो है भाजपा कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मना रहे हैं। आइए बात करते हैं हमारे अनुज कुमार चौहान और धानी जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री हैं, और उनसे बात करते हैं। सर, ये मिठाई का वितरण कर रहे हैं आप, ये क्या वजह है, क्या कारण है, आप इतने उत्साह के साथ क्यों इस मिठाई को वितरण कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हम जो मिठाई का वितरण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो बहुत ही अच्छा, और जो आज हमारे समाज में सबसे पहले जो क्राइम था वो काफ़ी हद तक घट गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से लोगों को जो आशाएं थीं उन आशाओं पे हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत खड़े उतरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, फास्ट न्यूज इंडिया से बात करने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ रही धज्जियां। जी हां, यूपी के कन्नौज जिला छिबरामऊ थाना ब्लॉक क्षेत्र के पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ रही धज्जियां, जहां ब्लॉक में कच्छ उद्घाटन और पौधारोपण कार्यक्रम में भाजपा विधायिका अर्चना पांडे के सामने ही हुई नियमों की अवहेलना। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मामले हैं इसी क्षेत्र में, 2 गज दूरी के नियमों की उड़ रही धज्जियां। आइए देखते हैं छिबरामऊ से हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी नेता ने पुलिस चेक पोस्ट पर काटा हंगामा। जी हां, यूपी के कन्नौज जिला के छिबरामऊ थाना अंतर्गत सदर क्षेत्र के तिरवा क्रॉसिंग पर सत्ता के मद में चूर बीजेपी नेता ने पुलिस चेक पोस्ट पर किया हंगामा। चेक पोस्ट पर अपनी मोटरसाइकिल रोके जाने पर पुलिस कर्मियों पर भड़के नेता पुलिस कर्मियों पर रौब जमाते नजर आए। बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य अजय कुमार दुबे ने पुलिस पर लगाया अभद्रता का आरोप। आइए देखते हैं छिबरामऊ से हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। अजय कुमार दुबे, पूर्व सभासद भारतीय जनता पार्टी कन्नौज जिला कार्यकारी सदस्य। क्या हुआ दादा? ये बदतमीजी इस तरीके से लोग करते हैं, जैसे अपराधियों के साथ या बदतमीजी की जाती है। किसने बदतमीजी की? यही ट्रैफिक पुलिस ने। आप इस तरीके से लोग पब्लिक ऊपर, जैसे बच्चों को लुटेरा बदमाशम होगा, आतंकवादी होगा। आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे हैं अपने घर 24 राय। फिर क्या हुआ? यही गाड़ी रोकी, गाड़ी डंडा चलान दौड़े, चाबी निकाली। अरे बात ठीक है, शासन के आदेश है,
शासन का पालन कीजिए, हमारी गाड़ी देखिए, हमारे कागज देखिए, हमारा चालान कीजिए, हमें कागज ना हो हमें जेल भेजिए। कोरोना पॉजिटिव युवक की इलाज के दौरान हुई मृत्यु। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले में मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत ग्राम चित्रसेनपुर के निवासी ओम प्रकाश पटेल 23 मई को सूरत से लौटे थे। अपने ग्राम चित्रसेनपुर आए थे तथा होम क्वारंटाइन होने के बाद 1 जून को अचानक तबियत खराब होने की वजह से निजी गाड़ी से बीएचओ हॉस्पिटल ले जाया गया तथा बीएचओ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई तथा डॉक्टरों द्वारा ब्लड सैंपल निकाल कर जांच के लिए भेजा गया। ब्लड रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसमें चित्रसेनपुर गाँव को बैरिकेड किया गया तथा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पूरे परिवार का ब्लड सैंपल लिया गया। आइए देखते हैं वाराणसी के मिर्जा मुराद से हमारे संवाददाता बड़े लाल शुक्ला की रिपोर्ट। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम रूप नारायण पटेल है, मैं ग्राम पंचायत चित्रसेनपुर का ग्राम प्रधान हूँ। प्रधान जी, ये जो अभी कोरोना पॉजिटिव मिले हुए हैं जी, क्या नाम था उनका? उनका नाम ओम प्रकाश पटेल था जी। तो ये कितने दिन से मतलब ये बैरिकेडेड हुआ है यहाँ पर? यहाँ बैरिकेडिंग कल का हुआ है। अच्छा, ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी टीम भी यहाँ पर आई थी? हाँ, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पर आई थी और परिवार लोगों का जो है सैंपल लेने के लिए। हाँ, सैंपल आज 10 लोगों का किए हैं। टोटल कितने लोग हैं फैमिली में? मतलब जितने लोग संपर्क में आए हैं 21 लोग पूरा टोटल हैं। कितने लोगों का सैंपल लिया गया? आज 10 लोगों का सैंपल लिया गया है जी। यहाँ बताए हैं कि कल 11 लोगों का सैंपल और लिया जाएगा। प्रधान जी, आप ये बताइए कहाँ से आए थे? ये मतलब सूरत से आए थे, गुजरात से। अच्छा, कितना दिन हो गया इन्हें आए? 24 तारीख को आए थे। अच्छा, कब पता चला कि इनका रिपोर्ट पॉजिटिव है? 1 तारीख को इनको ज़्यादा दिक्कत हुआ तो ले जा करके इमरजेंसी बीएचयू के इमरजेंसी में भर्ती किए, एडमिट किए जी। और उसी दिन रात को 10 बजे इनका डेथ भी हो गया जी। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बाकी ये थे अभी कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।